सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप सभी लोग को हैप्पी होली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखा है। ऑनेस्टली टेलिंग एडवांस लेवल कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यार एडवांस लेवल वो हो गया मतलब कि मैं लाखों रुपये ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने कहाँ से सीखा, किससे सीखा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों का, क्योंकि देखो यार, जो लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं ना, उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसमें से बेसिक चीज़ कैसे सीखो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो उसका बेसिक नॉलेज जो है वो कहाँ से लूँ? किसी का कोर्स बाई करूँ, या केवल यूट्यूब से सीख सकता हूँ, या फिर कोई बुक का रिकमेंडेशन बताओ? ये जितना भी सवाल है ना, लोगों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ से सीखा है, कौन कौन यूट्यूबर्स का वीडियो देखा है, कौन सा बुक पढ़ा है, और किसी का कोर्स बाय किया था या फिर नहीं। देखो, मैं कोर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोर्स किसी का बाय नहीं किया था, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि कोर्स बाय करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चाहे आपका वो कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, चाहे आप उसके कितने भी बड़े फ़ैन क्यों ना हो, और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो चीज़ फ्री में मिल सकता है उसको 4,000-5,000 देने का क्या फ़ायदा। उससे अच्छा तो वो 4,000-5,000 रुपये आप मार्केट में लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो मैंने बेसिक नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग का कहाँ से लिया, इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने स्टॉक मार्केट में इंटर कैसे किया। क्या मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे चाचा या मामा जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और उनसे मैंने सीखा और मैंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग आता हो, या जिनको स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो। हाँ, भले ही कुछ लोग जो है वो इन्वेस्टिंग करते होंगे स्टॉक्स के अंदर, पर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटर करना इतना इजी भी नहीं है, और उसके लिए गट्स भी चाहिए। तो चलो, मैं एक मिनट के अंदर मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आया कैसे। तो 2020 और 21 में मैं नीट एस्पिरेंट था, डॉक्टर बनने का भूख था, पर 2021 में मैं एग्ज़ाम जब दिया तो मुझे अप्रॉक्स 500 मार्क्स आया था, पर भरोसा हो गया था कि फिजिक्स के कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 2021 में ही क्विट कर दिया। और एक अंदर से होता है ना, कोई भी बंदा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता है तो उससे पहले बहुत सारा वेब सीरीज़ आता है, तो वो सोच के रखता है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो वो वेब सीरीज़ बाद में देखना है। तो मैंने 2-3 वेब सीरीज़ ऐसे ही रखा था देखने के लिए। तो उसमें से कुछ था, जैसे कोटा फैक्ट्री था, स्कैम 1992 था। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैंने स्टार्ट किया स्कैम 1992 देखना, हर्षद मेहता स्कैम। और जब वो वेब सीरीज़ देखा ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उससे पहले क्या था ना, नीट का तैयारी करता था, तो मेरे YouTube पे वही सब भरा रहता था कि 2 महीने के अंदर 650 प्लस कैसे लाएं, हाउ टू क्रैक नीट इन 10 डेज, ये सब वीडियो कभी काम में नहीं आया, पर देखने में बहुत मज़ा आता था। तो जब मैं वेब सीरीज़ देख रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक कॉमन क्वेश्चन आया कि शेयर मार्केट होता क्या है। और ये सवाल जब मैं अपनी फैमिली के सामने लेके गया तो उनका बस एक सिंपल सा आंसर था कि शेयर मार्केट में कंपनी के हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, बस इसके अलावा कोई और आंसर था ही नहीं उनके पास, क्योंकि उनको खुद आइडिया नहीं था इसके बारे में। और फिर मैं कॉमर्स के दोस्तों से कुछ क्वेश्चन पूछने लगा, और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। और 2021 और 22 में इन्वेस्टिंग के लिए मैं 3 चैनल को फॉलो करता था, पहला प्रांजल कामरा, सेकेंड सी ए रचना रनडे, और थर्ड लेबर लॉ एडवाइजर। इन तीनों से मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में सीखा कि कोई फंडामेंटल्स, किसी कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे रीड किया जाता है, बैलेंस शीट क्या होता है, इबिट्टा मार्जिन क्या होता है, पी रेशियो, पीबी रेशियो, ये सारा चीज़ मैंने इन्हीं लोग से सीखा है। अब क्या होता है कि आप जिस भी तरीके का वीडियो आप YouTube पे देखोगे वैसा आपका रिकमेंडेशन आने लगता है। तो 2022 में मैं पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में ही देख रहा था, तो एक रिकमेंडेशन आता है सुनील मिगलानी सर के वीडियो का, जिसमें वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही बात कर रहे थे कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, कैंडल्स क्या होता है, यही सब चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, जो सारा चीज़ मेरे ऊपर से जा रहा था, क्योंकि 2022 में मैं इन्वेस्टिंग सीख लिया था, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो पता था, पर टेक्निकल एनालिसिस नाम का भी कुछ चीज़ होता है, चार्ट को भी रीड किया जाता है, ये आइडिया नहीं था। अब उनका वीडियो देखने के बाद दिमाग में बहुत क्वेश्चन भी चल रहा था कि यहाँ इन्वेस्टिंग के अलावा ट्रेडिंग नाम का भी कुछ चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में भी अलग अलग तरीके का, वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते थे, इंट्राडे के बारे में बात करते थे, तो अब ये क्या होता है उसके बारे में जानने का ट्राई किया। मेरे दिमाग में जितना भी क्वेश्चन आता था, फॉर एग्जांपल हाउ टू रीड चार्ट, अब वो हाउ टू रीड चार्ट मैं सिंपली यूट्यूब पे लिखता था, किसी भी रैंडम यूट्यूबर का वीडियो देखता था, उससे मेरा डाउट क्लियर होता था। तो उस तरीके से ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ कुछ पता चलने लगा कि हाँ, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है,
चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, कैंडल्स कैसे पहचानते हैं, ये सब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था। और 2022 में मैं सुनील मिगलानी सर का एक वीडियो देखा था, जो अब रियलाइज होता है कि हाँ वो कितना सही बोले थे। मैं वो क्लिप लगा देता हूँ, पर प्लीज कॉपीराइट मत देना सर। लोग सुबह 20-25 हजार रुपए कमा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं सर हम ना केवल वॉच कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वॉच मत करो, बाहर चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम वॉच करोगे ये बुला लेगी तुम्हें, कहेगी कम ऑन बेबी देखो एक ये सौदा और है आ जाओ, ये आपको अट्रैक्टिव सौदे दिखाएगी और आप फंस जाओगे उसके अंदर, और ये सारे आपके सुबह के लिए, क्योंकि इसके पास तो सारा लेजर है, कौन कितने ले गया पैसे, इसलिए कमा लिए खड़े हो जाओ स्क्रीन बंद कर, लॉस कर दिया खड़े हो जाओ स्क्रीन बंद कर, लॉस पहले कर दिया तो ज्यादा लॉस करके उठोगे, प्रॉफिट कर दिया तो लॉस करके उठोगे, ये कानून। तो ये चीज उस टाइम तो समझ में नहीं आया था, पर वो बेसिकली इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में ही बात कर रहे थे। तो 2022 में मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में जितना भी डाउट था, ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है, चार्ट कैसे रीड किया जाता है, इंडिकेटर्स को कैसे समझा जाता है, कितने तरीके का इंडिकेटर्स होता है, ये जितना भी दिमाग में डाउट था वो सारा चीज मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, रैंडम लोगों का वीडियो देखा एंड वहां से वो डाउट क्लियर किया। ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर चैनल को मैं फॉलो कर रहा था ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए मैं अभी भी वो तीनों चैनल को फॉलो कर रहा था, पर ट्रेडिंग के लिए कोई पर्टिकुलर चैनल मुझे नहीं मिला था। तो 2023 के फरवरी में मुझे लगा कि देखो ट्रेडिंग के बारे में इतना तो पता चल गया है, तो क्यों ना इसको ट्राई करते हैं। तो एक साल से जो भी मैं इन्वेस्ट करते आ रहा था उसमें से 2-3 हजार रुपए निकाला और मैंने फरवरी 2023 से ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं ट्रेडिंग का वीडियो ज्यादा देखने लगा था तो मुझे रिकमेंडेशन भी उसी तरीके का आने लगा था, तो बहुत लोग लाइव आते थे उस टाइम, तो उसका भी रिकमेंडेशन आया, तो मैं लाइव देखना फिर स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों का लाइव देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे ट्रेडर्स पैराडाइज हो गया, ट्रेड रूम हो गया, ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट हो गया, इन लोगों का लाइव देखना स्टार्ट किया। अब देखो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताता हूँ जो सबके साथ होता है, लाइव देखने से पहले जब मैं ट्रेड करता था तो मुझे प्रॉफिट होता था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, तो लेकिन जब मैं लाइव देखना स्टार्ट किया तो 10 दिन में से 8 दिन लॉस होता था, 2 दिन प्रॉफिट होता था। तो लॉस ज़्यादा होने की वजह से ना मैं ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, फोमो की वजह से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जितना भी ट्रेडिंग में गलती होता है ना वो सारा गलती करना स्टार्ट कर दिया। अब 2023 के जून या जुलाई में ये रियलाइज़ हो गया था कि किसी का अगर लाइव देखना है तो ट्रेड लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि बहुत ओवर ट्रेडिंग हो चुका था, 20-30 हजार का लॉस हो चुका था पहले भी, अब हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, 20-30 हजार का लॉस हो जाना बहुत बड़ी बात होता है। तो उसके बाद मैं जिसका भी लाइव देखता था, द ट्रेड रूम, ट्रेडर्स पैराडाइज या फिर ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, यही तीनों का मैं मेनली लाइव देखा हूँ और यही तीनों से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ लाइव देख के, क्योंकि जब मैं लाइव देखना स्टार्ट किया तो बहुत कुछ आइडिया मिला, जैसे ऑप्शन चेन क्या होता है, थीटा डिके क्या होता है, प्राइस एक्शन एक्चुअली में कैसे रीड किया जाता है, मतलब ये चार्ट में जितना भी पैटर्न बनता है ये मुझे लाइव से सीखने को मिला। और सितंबर 2023 तक मैं सारा लाइव देखना बंद कर दिया और खुद से ट्रेड करने लगा, और एक चीज़ रियलाइज़ हो गया था कि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो मैक्सिमम लोग फेस कर रहे होंगे, इसलिए मैं उस चीज़ पे वीडियो भी बनाने लगा। देखो ये मेरा पूरा जर्नी था कि मैंने कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा, मैंने कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर किया, तो यहाँ पे कोई कोर्स मैंने बाय नहीं किया था किसी यूट्यूबर का, सिंपली मैं यूट्यूब से ही सीखा, किनसे सीखा मैं वो भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं जो तीनों यूट्यूबर का नाम लिया, द ट्रेड रूम, ट्रेडर्स पैराडाइज और ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, ये तीनों ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं या फिर नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे बस इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला इसलिए मैं इनका नाम लिया। अब देखो अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हो अच्छी बात है, पर किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि ट्रेडिंग में आजकल कितना फ्रॉड केसेस बाहर आ रहा है, तो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर देना ये फिर आपका गलती हो जाएगा। तो अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो प्लीज उस पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, हाँ अगर उनसे कुछ सीखने को मिला है तो उनको रिस्पेक्ट करना है। तो ये था मेरा टोटल जर्नी स्टॉक मार्केट का, और मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखा वो भी बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।